नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। एसिड अटैक आरोपी पुलिस ने एनकाउंटर में किया गिरफ्तार। खबर गोंडा जिले से, जहां देवी पाटन मंडल के मंडल अभियुक्त घटनाक्रम को देखते हुए सख्त निर्देश दिया, जिसमें पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एसपी ने टीम बनाकर अभियुक्त छापेमारी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 दलित बेटियों पर हुए एसिड अटैक के मामले में आरोपी आशीष को एनकाउंटर में ढेर किया। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग में आशीष के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए पहले CHC लाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया जा रहा है। आपको बता दें कि सोमवार रात परसपुर के पसरा इलाके में 3 दलित बेटियों पर सोते समय एसिड अटैक हुआ था, जिसके बाद ये मुद्दा पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। प्रारंभिक जांच में जैसे ही पुलिस को पता चला कि आरोपी आशीष की कुछ दिनों पहले एसिड अटैक पीड़िता बड़ी बहन से कहा सुनी हुई थी और वह फोन पर बात करने के लिए आवश्यक दबाव बना रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आनंद वनन में आशीष की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई और मुखबिर से जैसे ही इसकी भनक लगी कि आशीष कर्नलगंज से हुजूरपुर जाने वाली रोड पर आ रहा है, तो पुलिस ने उसका पीछा किया। इसी दरमियान सोनवार गांव को जाने वाली रोड पर आशीष की बाइक फिसल गई और वह गिर पड़ा। पुलिस आशीष का पीछा कर रही थी, जिससे भागते समय आशीष ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में आशीष के दाहिने पैर में गोली लगी, वह घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें से गिरफ्तार कर लिया और सबसे पहले इलाज के लिए CHC कर्नलगंज ले गई, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी आशीष पसका गांव का रहने वाला है, जो अनावश्यक रूप से 3 दलित सगी बहनों में से सबसे बड़ी बहन पर फोन से बात करने का दबाव बना रहा था। जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसी की खुन्नस में उसने एक साथी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल आशीष पुलिस की गिरफ्तार में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। सर, ये बताइए, आज पुलिस ने किसी कोई एनकाउंटर किया है, तो क्या मामला था और ये एनकाउंटर कैसा था? सर, आज एक परसपुर में अभियोग लिखा गया है, जिसमें 3 बच्चियों को रात में एसिड उनके चेहरों पर डाल दिया था और उसमें एक आशीष और छोटू उसी गांव का है और उसका नाम लड़कियों ने बच्चियों ने बताया और जांच में आया था। उसी की तलाश में पुलिस यहां थी और वो अभियुक्त भागने की कोशिश में था और जब यहां पर उसकी बाइक फिसल गई तो उसने उतर के तत्काल पुलिस पार्टी पर फायर किया और पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें से अभियुक्त को फायर आर्म से इंजरी आई और उसको अस्पताल भेजा गया है और ये वही अभियुक्त है आशीष उर्फ छोटू, जो ग्राम पसका का रहने वाला है और जो एसिड अटैक में वांटेड भी था। तो सर, ये कैसे पता चला कि जो आरोपी है वो यहाँ कर्नलगंज में है? नहीं, ये सूचना तंत्र होता है पुलिस का, मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि वो इधर से उसका मूवमेंट है और वो यहाँ पुलिस से उसका सामना हो गया। सर, क्या इस मुठभेड़ में कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं? नहीं, पुलिसकर्मी घायल नहीं हुए और अभियुक्त को चोट आई है।